मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर स्थित देवरी इको सेंटर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले दो दिनों में 5 घड़ियालों की मौत हो गई। घड़ियालों का पोस्टमार्टम करने पहुंची डॉक्टरों की टीम ने बताया कि सर्दी की वजह से घड़ियालों की मौत हुई है, लेकिन अनुपयुक्त भोजन या दूषित पानी भी इसकी वजह हो सकता है। फिलहाल पीएम के बाद जांच रिपोर्ट सामने आएगी, इसके बाद ही पता चल सकेगा कि किन कारणों से घड़ियालों की मौत हुई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि वन विभाग के अधिकारियों ने मेन गेट पर पर्चा चस्पा कर दिया कि घड़ियाल केंद्र बंद रहेगा। सैलानियों और मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया। वहीं बाहर से आए सैलानियों का कहना था कि हम लोग करीब 80 किलोमीटर दूर से यहां आए हैं, लेकिन चंबल अभ्यारण्य पर आकर देखा तो गेट बंद मिला। बताया जा रहा है कि घड़ियालों की मौत की वजह से इको सेंटर बंद कर दिया है। यहां यह बताना लाजमी होगा कि सभी घड़ियालों को मार्च माह में चंबल नदी में छोड़ा जाना था। वहीं सभी मृत घड़ियालों की उम्र 3 साल की बताई जा रही है। जब मृतक घड़ियालों की मौत के बारे में बात करना चाहिए तो वह मीडिया के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। क्या बात है, थोड़ी ना घड़ियाल मारे, क्या मामला है सर जी? बंद है ना, कह रहा ना कि अंदर एंट्री बंद है सब लोगों की। मौत का कारण बताया, मौत नहीं, हमारे पास कारण बता नहीं है, कुछ भी क्या कहते हैं डॉक्टर लोग, कितने घड़ियाल मारे हैं, कितने बताएंगे घड़ियालों की, कितने घड़ियालों की मौत हुई है, थोड़ा काम दूसरा काम अर्जेंट है कि कारण क्या है, कितने घड़ियालों की बस वैसे ही छोड़ दो। घड़ियालों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सभी आला अधिकारी अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं। जिला वनमंडलाधिकारी ने शेष घड़ियालों को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। मुरैना से दिलीप दीक्षित की रिपोर्ट।